ये सुरभा जी, बात करें अगर आप सीपीओ की, तो सीपीओ में देख रहे हैं कि भारत में जो प्राइजेस हैं सीपीओ के रिफाइंड के लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरसों तेल 190 रुपये लीटर है, सीपी आप रिफाइंड ऑयल 175 रुपये से 180 रुपये लीटर के आसपास है, और ऊपर से इंडोनेशिया की सरकार ने वहाँ पर सीपीओ के एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा दी है। अब भारत में इसकी जो सप्लाई है वो शॉर्टेज है, दूसरा प्राइसेस भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि रिफाइंड का महंगा होने से, सीपीओ महंगा होने से, जो बाकी तिलहन है, जो बाकी खाद्य तेल है, क्या उनके भी प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि काफी जगह पर सीपीओ का भी यूज किया जाता है, और अभी सनफ्लावर ऑयल के देखा जाए तो उसमें भी हमें देखने को मिला है प्राइसेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगता नजर आ रहा है, वो डेफिनेटली उसका असर डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर नजर आ सकता है, और विदेशी बाजारों में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्रॉप काफी कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर है, और रूस और यूक्रेन की वजह से और ज्यादा सपोर्ट आता हुआ कीमतों को दिखाई दिया है। तो बिल्कुल एडिबल ऑयल पैक में इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, और बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है जी।